सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। भगवान अपनी विभूतियों एक के बाद एक प्रकट करते जा रहे हैं। अभी इस श्लोक में कहते हैं भगवान अक्षराणाम अकारोऽस्मि। भगवान कहते हैं अक्षराणाम माने वर्णाणाम माने अक्षरों में वर्ण वर्णाणाम अकारो वर्ण अस्मि, मैं अकार वर्ण हूं। यह भगवान कहते हैं। देखिए वास्तव में अक्षर को अक्षर अक्षर माने वर्ण अक्षर कहते हैं ना अक्षर अक्षराभ्यास। किसको हम कहते हैं अक्षर? यहाँ पे महात्मा लोग बताते हैं अक्षर में जो कभी नष्ट न हो, पहली चीज है जो कभी नष्ट न हो और जो सभी वर्णों में व्याप्त हो, सभी वर्णों में व्याप्त हो उसे हम कहते हैं अक्षर। व्याप्त सभी वर्णों में, देखिए संस्कृत भाषा में यही इस संस्कृत भाषा में ही ये लक्षण है। वर्ण माने लेटर लेटर्स आटुहा देखिए। और हमारे ये देश संस्कृत भाषा का जो ये सौंदर्यता देखिए सुंदरता इसमें ये विलक्षण एक लक्षण क्या है ये विशेष करके एक लक्षण है कि सभी वर्णों में पहले मैंने अक्षर का मतलब क्या है कभी जो नष्ट नहीं होता और सभी वर्णों में जो व्याप्त है। देखिए ये अन्य भाषा देखिए आप अंग्रेजी भाषा देखिएगा और किसी एक भाषा में देख लीजिएगा उसमें वर्णमाला जो होती है वर्णमाला आठवा उसमें आपको देखते देखते ही वो उसमें क्या है ना अनेक प्रकार के विकृत आ जाती है। इसलिए जैसे कि ये
बी हो गए, विकृत आ गए कि नहीं प्रोनाउंसिएशन में, सी डी ई, फिर एफ हो गया, जी एच हो गया, आई जे, हाँ। मगर ये अक्षर जो है वर्ण आ, जितने भी स्वर हैं, जितने भी व्यंज्य हैं, सब में व्याप्त है। देखिए कामया क प्लस आ इज इक्वल टू खा, ख प्लस आ इज इक्वल टू खा, ये प्लस आ इज इक्वल टू या। तो इसलिए हमारे जो ये है ना, तो जिसके वर्ण उनके दूसरे भाषाओं में वर्ण अविनाशी नहीं है, मगर हमारे यहाँ जो वर्ण है सभी स्वर और व्यंजन में अकार व्याप्त है। इसलिए भगवान कहते हैं मने जिसके बिना जो दूसरा वर्ण का उदय भी नहीं हो सकता, उत्पत्ति नहीं हो सकती, वर्ण का अस्तित्व नहीं होगा, आ के बिना और कोई उच्चारण आप नहीं कर सकते, आ के उच्चारण के बिना कोई स्वर और व्यंजन का आप उल्लेख करके ना तो बताओ, उच्चार करके दिखाओ, उच्चारण करके नहीं होगा। देखिए इसलिए भगवान कहते हैं अक्षराणाम अकार अस्मि, मैं अकार हूं। देखिए अस्मि यह है प्रभाव हमारे जो इस संस्कृत भाषा में यह है, नहीं तो भारतीय भाषाओं में हरी हर भाषा में यही है, कुछ प्रांतों में कुछ कुछ ऐसे हैं अक्षर जो संस्कृत में और अन्य भाषा में नहीं मिलता, जैसे कि मलयालम में एक पद है, तमिल में एक पद अक्षर है, वर्ण है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको उच्चारण में नहीं हो सकता ठीक से, मुश्किल है। यहाँ पे कोई तमिल हो तो मालूम है, तमिल वाले या मलयाली लोग जानते हैं इसको, ऐसा जो वर्ण है और उसका उच्चारण बहुत कठिन है और किसी में नहीं है, किसी भाषा में नहीं मिलते। तो स्वर में संस्कृत में अकार के बिना कोई उच्चारण नहीं हो सकता, तो भगवान कह दिया कि मैं यही मेरी विभूति है, मैं सब में व्याप्त हूं, सभी वर्णों में अक्षरों में मैं व्याप्त हूं, यही मेरी विभूति, सो अब मैं आ में बैठा हूं, आ मेरी विभूति है, आवरण। और दूसरा द्वंद्व समास अस्मि सामासिकस्य समास समूहस्य। देखिए समास माने क्या है, विग्रह वाक्य माने विग्रह वाक्य, अनेक प्रकार चार पांच पद होते हैं, पद दो पद ले लो आप, इन पदों को जो आप सम्मिलित करके जोड़कर और तीसरा कोई अक्षर समास बनता है, तो विग्रह वाक्य माने जो अलग अलग है विग्रह वाक्य है, समास बन जाता है। तो इन समास अनेक प्रकार के समास है, संस्कृत समास में है, हर भाषा में समास, समास माने ये समास के बिना चलता ही नहीं व्यवहार में। तो समास माने क्या है, तो ये है माने उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, द्वंद्वः द्वंद्व समास में देखो विग्रह वाक्य में जो जो दो शब्द आप ले लो, इन शब्दों को जोड़ने से तो एक समास बनता है, जोड़ने के बाद समास बनने के बाद समास के द्वारा ये शब्द अनेक प्रकार के शब्द जुड़ा जाता है। अब इसमें द्वंद्व एक समास है, फॉर एग्जाम्पल अव्ययी भाव समास ले लो, उसमें क्या है कि पूर्व पदार्थ प्रधान, एक पूर्व पदार्थ है उसका अर्थ जो है उसके प्रधान है अव्ययी भाव समास में, तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ और बहुव्रीहि में अन्य पदार्थ समास, द्वंद्व में उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, क्योंकि जब आप सारे लोगों को यानी सारे इन शब्दों को वर्ण वर्ण न शब्द शब्दों को आप जोड़ दे, तभी भी जोड़ने के बाद भी अपने अपने जो एक एक प्रधानता है वो प्रधानता कभी कोते नहीं, जोड़ने के बाद भी द्वंद्व होते का है। देखिए रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णयो हो, कोई विकृति नहीं आती, प्रधानता राम माने राम कृष्ण में कौन प्रधान है, राम भी प्रधान है कृष्ण भी प्रधान है, दोनों शब्दों में कोई अप्रधानता नहीं है, कोई एक उच्च हो गया, कोई एक गुण एक किसी का गुण बन गया, किसी का एक
क्रिया बन गई और कुछ ऐसे इस तरह के भाव भेद नहीं होते समास में। तो भगवान ने कह दिया कि मैं द्वंद्व समास हूं, मैंने सभी पद अर्थों के मैं ये मुख्य है। सो जोड़ने के बाद भी विग्रह वाक्य में जो जो अन्य अन्य पदा जितने प्रधान हैं, समास जोड़ने के बाद भी बनने के बाद भी एक एक पद का उतना ही महत्व है, उतना ही प्रधानता है, समान प्रधानता सब में। तो भगवान तो पसंद करते समानता को, तो मिल अलग अलग होने से भी अपने अपने विशिष्टता को रखो, पर मिलने के बाद भी अपने अपने विशिष्टता को कोई बिना सबसे मिलना है। यह है द्वंद्व समास का एक लक्षण। तो भगवान कहते हैं समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। और अहमेव अक्षय काल किंच अहमेव अक्षय अक्षीण काल प्रसिद्ध क्षणादि आख्य अथवा परमेश्वर कालस्यपि कालः अस्मि। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा है अहम च एव अक्षयः अक्षीणः कालः। काल क्या है? काल स्वयं अक्षीण है। काल में सब कुछ नाश होता है, पर काल का नाश कभी नहीं होता, क्योंकि काल कौन है? परमेश्वर ही है। तो यहां पे अक्षीणः को काल जो है स्वयं क्षीण नहीं होता, अक्षीण है, मगर उस काल का जो रूप क्या है? प्रसिद्ध है। आप उस काल को काल माने फिर गणना शुरू करते हैं, क्षण आदि, क्षण होता है घड़ी त्रुटि। ये भागवत में बड़े विस्तार से तीसरे स्कंद में आया है, जब परीक्षित जी पूछते हैं कि एक अध्याय का प्रश्न ही प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों को शुक्रदेव जी जवाब देते हैं, उसमें काल के बारे में बताया गया। अद्भुत त्रुटि रेणु त्रास वहां से लेकर के युग तक चले जाते हैं। और वे कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, परब्रह्म परमेश्वर में इन सारे जिस ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति और लय केवल एक विंक मात्र में, जैसे आंख बंद करके खोया, बस खोला हो गया, उतना ही समय है परमेश्वर के लिए। देखिए एक बुदबुद एक क्षण का लिए प्रकट होना फिर लय होना सागर में, मतलब इसका इसकी सृष्टि अस्तित्व और लय अत्यंत क्षण काल में हो जाता है। इसी तरह एक एक ब्रह्मांड इन अनंत सागर में एक बुदबुद जैसे है। तो वो काल जो है बस अत्यंत एक क्षण की क्षण भी नहीं, बस निमिषः, मैंने एक बार आंख बंद कर बस हो गया, आंख बंद किया फिर खोला, जितना समय लगता है उतना ही समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की जो स्थिति और ब्रह्मांड का लय सब कुछ हो गया। शुक्रदेव जी कहते हैं ये परब्रह्म परमात्मा की दृष्टि से इतना ही समय है। उतना समय में हमारा पूरा न जाने कितने कितने युग हो जाते हैं, कितने महायुग हो जाते हैं, कितने ब्रह्म लोग आके चले जाते हैं, ब्रह्मा जी का 100 साल, इतना समय लंबा समय है जीवों की उत्पत्ति, करोड़ों करोड़ जन्म भी हो जाते हैं इसमें। तो काल जो है वास्तव में स्वयं अक्षीण, जिसको हम गणना करते हैं क्षण के रूप में, घड़ी त्रुटि इत्यादि क्षण आदि आख्य, या नहीं तो आप अथवा परमेश्वर कालस्य भी काल अस्मि, या नहीं तो समझो मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर कौन है? काल का भी काल है वो, तो कालांतक, कालांतक, क्योंकि वास्तव में काल के विषय में जितना आप सोच सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, कर सकते हैं। काल क्या है? क्रम संवित काल, माने कुछ क्रम हो, दो घटना घटी है, घट गए, इन दो घटनाओं के बीच में जो अंतर है उस अंतर को काल के रूप में माना जाता है।
कालमानम, दो अंतर। जैसे कि सूर्योदय एक घटना, सूर्यास्तमय एक घटना। सूर्योदय का मतलब क्या है, प्रथम सूर्य भगवान का जो किरण एक इस खगोल में एक भूगोल में एक जगह पे पड़ने से, और वो किरण जो भूमि जो पृथ्वी जो घूम रही है इसके कारण वो किरण का प्रसरण होता है, माने एक किरण का एक यात्रा सफर होता है, किरण का सफर होता है माने पृथ्वी घूम रही है। सो जितना समय फिर दूसरा अंत तक मैंने आधा भाग ले लिया, सूर्योदय सूर्यास्तमय, उसके बीच में जो अंतर है उस अंतर को काल के रूप में स्वीकार करके हम कहते हैं 12 घंटा, 12 घंटा का विराम। अब देखिए, अब कम आ जाओ, कम वास्तव में क्या है, जहां गति है वहीं समय है, सोचना आप। वहां जहां गति नहीं है वहां समय नहीं है। समय भी एक भौतिक समय अलग है, जो नक्षत्र गति, सूर्य गति, मंडल गति, ये ग्रह गति के अनुरूप जो बनता है समय, वो समय अलग है, वो भी नियमित रूप से चल रहा है। नक्षत्र गति, ग्रहण गति, ये गतियों के कारण जो बनता है समय वो अलग है, वो एक इसका नियम है, कोई टाल नहीं सकता, कोई उसका, कोई भगवान ही अंत कर सकता है इसका, आप और मैं नहीं कर सकते, सभी लोग इसी समय में सीमित है, बाहर का जो समय है। दूसरा समय जो है मानसिक समय, मन में वो व्यक्तिगत समय हो गया। जब आप इस प्रसंग को आप अच्छा लगता है आपको तो 1.5 घंटा लगता ही नहीं आपको, 1.5 घंटा, जिसको अच्छा नहीं लग रहा है उसके लिए क्षण क्षण महायुग है। तो वास्तव में 1.5 घंटा ही है, भौतिक प्रमाण से आप देखा जाए इस बाह्य समय का जो आप प्रमाण रूप में स्वीकार करके वो आप मेजर करते हैं, मानते हैं, मानना माने मियते, आप करने के बाद एक ही है जो ये 1.5 घंटे में एक युग जिसको महसूस हुआ उसके लिए भी वास्तव में 1.5 घंटा ही है, और जिसको अच्छा लगा उसके लिए भी 1.5 घंटा ही है। तो भौतिक समय जो है वो सबके लिए अलग एक है, मगर जिस मानसिक स्थिति से हम इस भौतिक समय के साथ हम संबंध रखते हैं, मानसिक स्थिति पर आधारित है। कौन सा समय? अपना अपना व्यक्तिगत समय। वहां पे भी गति हो रही है, मैंने क्या कहा, गति के बिना समय नहीं है। तो मन में क्या गति है, कौन सी गति, किस गति है, किस तरह की गति चल रही है मन में, वृत्तियों, वृत्ति, अनेक प्रकार के वृत्तियां। अब एक ही वृत्ति हो बनी रही है तो समय नहीं है, दो वृत्ति है तो समय हो गया। तो इसलिए समाधि में क्या है, एक वृत्ति भी नहीं है तो वहां पे समय का आप पार कर दिया। फिर इस भौतिक प्रपंच के साथ संबंध में आने के बाद फिर किसी से पूछने से वे आपसे कहेंगे कि आप 2 साल से समाधि में थे। जैसे कोई सो गया, जैसे कोमा में चले गए, निष्प्रह होकर पड़े हैं 6 महीने, वो 6 महीने का समय का भान उसको नहीं होता। वापस आने के बाद किसी ने कहने से वो पता लगता है कि अच्छा 6 महीने हो गया। तो समय भी अब अलग अलग है, जिसके लिए एक युग है उसके लिए क्षण है, जिसके लिए क्षण है वो एक युग है उनके लिए। अनेक प्रकार के कीड़े मकड़े बहुत होते हैं जो होते हैं, उनका समय अलग है। कुछ जानवर ऐसे हैं वो 400 साल 500 साल 1000 उंगी जीते हैं। देखिए तो वास्तव में समय की जो गणना हम करते रहते हैं ना वो अलग अलग स्तर पे होता है।
तो भगवान क्या कहते हैं, क्रम संवित काल है, क्रम संवित, यहाँ पे शास्त्र कहते हैं क्रम संवित, यहाँ पे संवित है, संवित के बिना समय का भान अनुभव करने वाला नहीं है, कोई ना कोई इसको, ये जो समय जो गति हो रही है, मन मानसिक गति हो या बाह्य गति, उसको कोई देखने वाला होना चाहिए, चैतन्य रूप को जो है, जो संवित है, वो संवित के सामने ही एक गति हो रही है, तो संवित के कारण ही ये समय का भान सबको होता है। संवित या कॉन्शियसनेस चैतन्य नहीं है तो ये समय का जो ध्यान रखने वाला कौन है, और जिसके अंदर समय समय करके ऐसी चीज ही नहीं है, क्योंकि वास्तव में समय करके कोई चीज ही नहीं है, क्यों, क्योंकि समय का भी अपना कोई अस्तित्व ठिकाना नहीं है, एक एक लोक में एक एक समय है गति के अनुसार, आप जाओगे पृथ्वी में ही नॉर्थ जोन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहां पे एक दिन का अलग है, दिन का प्रमाण 6 महीने एक दिन बनता है, 6 महीने रात, इसी पृथ्वी में चांदों के उपनिषद में हमने देखा है, एक एक लोक में अलग अलग दिशाओं में सूर्योदय होता है, पृथ्वी लोक में, इस लोक में, इस दिशा में, दूसरे लोक में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में सूर्योदय चांदोग्य उपनिषद में आया है। तो वास्तव में समय जो है ना, ये बड़ा अच्छुत है। तो गणनाम करते हैं क्षण के रूप में, त्रुटि त्रास के रूप में, फिर एक घड़ी इत्यादि, मास अर्थमास संवत्सर काल का गणना। मगर हा तो भगवान कहते हैं कालांतक हम परमेश्वर हम, क्योंकि मैं कालस्य भी काल है, क्योंकि कालस्य भी काल है, मेरे बिना ये काल ही नहीं है, क्योंकि वो चैतन्य के बिना ये सारे जो जड़ पदार्थों की जो गति है, जिसके द्वारा समय की उत्पत्ति हो रही है, समय का भान हो रहा है सबको अलग अलग लोकों में अलग अलग रूप से, वो गति ही नहीं होती, और जिससे ये सारी सृष्टि निकली है और जिसके अंदर वो फिर वापस चले जाते हैं, सब कुछ विलीन होने के बाद वहां पे समय नहीं है, तो इसलिए परमेश्वर कालांतक कह दिया, कालांतक, काल को भी अंत करने वाला, माने काल को अंत कर दिया, माने सब कुछ अपने में विलीन कर दिया, वहां पे जो गति भी नहीं है, वृत्ति भी नहीं है, प्रकृति भी नहीं है, प्रकृति विलीन हो गई उनमें, तो मैं परमेश्वर हम। सो भगवान कहते हैं अहमेव अक्षय कालः, कब तक गणना करते करते रहो, अक्षय है इसका, अक्षय नहीं है, काल में सब कुछ अंत होता है, मगर काल का अंत कभी नहीं होता जो परमेश्वर के आज्ञा के बिना, परमेश्वर ही इसका अंत कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए भगवान कहते मैं काल हूं, काल हूं मैंने जिस चेतना चैतन्य के द्वारा इन सबकी गति हो रही है, सब मानसिक वृत्तियों की गति, लोकांतर गति, लोक में गति, ग्रहों की गति, सूर्य चंद्र इत्यादि नक्षत्र मंडलों की गति, गति के कारण ही समय का जो भान लग रहा है सबको, तो वो गति मेरे बिना नहीं हो सकती, इसलिए मैं हूं काल। समझ में आ गए, आ गया, आ गया, गया। धाता हम विश्वतो मुखः, भगवान कहते हैं अथवा धाता अहम कर्मफलस्य विधाता सर्व जगतः विश्वतो मुखः सर्वतो मुखः, मैं सबका नो कर्मफल देने वाला हूं, वास्तव में सबका, सभी अवस्थाओं में सभी कर्मों का फल देने वाला ईश्वर ही है। भैया क्यों, ईश्वर को फिर जानना चाहिए, ईश्वर जानना जानते हैं कि सभी प्राणी क्या 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 कर्म कर रहे हैं, तभी वो फल दे पाएगा, ये तभी संभव जब वो विश्वतो मुख हो, माने जिसका मुख सर्वमुख है, माने सर्वव्याप्त है, सर्वत्र व्यापक है, सबको देख रहे हैं, सभी स्थिति में सर्वसाक्षी, सहस्राक्ष, सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपात, सहस्रपाद है, सहस्राक्ष है, अनेक अक्ष है, तो सर्वतोमुख विश्वतोमुख,
हर जगह उनके मुख है। इसीलिए भगवान हमको हमेशा देखते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं इसीलिए कर्मफल धाता, धाता माने कर्मफलस्य विधाता, कर्मफल को देने वाला हूं मैं। ऐसे कैसे दे सकते हैं आप कैसे जानते हैं? मैं बाथरूम में बैठकर मैं कुछ सोचा, आपको कैसे जब पता लग गया? ईश्वर से कोई भी जीव छुपा नहीं हो सकता। इसलिए उपनिषद कहते हैं पहला आपकी जो वृत्ति है ईश्वर जानने के बाद ही आप जान सकते हैं अपनी वृत्ति को। अपनी वृत्ति को आपकी जानने से पहले ईश्वर जानते हैं, वे जानने के बाद ही आप जानते हैं क्या अपनी वृत्ति को, विचार को। वो मेरा विचार है, अरे भैया तुम्हारा ही विचार तुम जानने से पहले ही ईश्वर जान लिया नहीं है? ये अद्भुत बात है कि नहीं? मैं सोचता हूं कि मैं इसीलिए मौन में बैठ जाते हैं लोग, क्योंकि कोई भी विचार मैं प्रकट करने से पहले वो जान लिया। तो विश्वतोमुख मैं सर्वतोमुख मैंने मेरे मुख हर सर्वव्याप है, सर्वत्र है, इसीलिए मैं कर्मफल देने वाला हूं, विधाता हूं, तभी न्याय हो पाएगा ना। और हमारे न्यायस्था में जो बेचारे न्याय जो न्यायवादी लोग होते हैं ना, तो जज होते हैं वहां पे न्यायमूर्ति और न्यायवादी जो भी है, वो दोनों अंधे हैं, सुनकर ही देते हैं ना अपना जो भी है राय फैसला, सुनकर देना पड़ता है, देखकर नहीं देता है। ऐसे ऐसे चीजें हैं जो न्यायवादी से भी छुपा के रखता है ये जो भी हो। मगर ये ईश्वर है, सब जानते हैं, और कोई बोलने कोई जरूरी नहीं है उनको, वे स्वयं जानते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं मैं कर्मफल विधाता, सबको देने वाला हूं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाच्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा द्रुतिक्षमाम् मृत्यो सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाच्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा। मृत्यु द्विविधो धनादिहरः प्राणहरश्च सर्वहरः उच्यते सः अहम् इत्यर्थः। अब देखिए मृत्यु दो तरह की मृत्यु है, दो तरह की मृत्यु क्या है? एक है धनादिहरः, धन आदि माने धनहर हो गया, जनहर हो गया, पत्नी मर गई, बच्चे मर गए, मुझसे कुछ लूटा गया, सब चला गया, खत्म हो गया, इत्यादि जो नष्ट होता है उसका भी एक मृत्यु है। क्योंकि आदमी सोचता है कि धन हर होते ही हाय राम मैं गया, देखिए मैं मर गया, पत्नी मर गई तो वे कहते हैं भाई मैं मर गया, या पति मर गए तो मैं मर गई। ऐसे ऐसे अनुभव जीवन में कुछ आपको लगता है कि आपका ही अंत हो गया, धन हरण हुआ, फिर लगता है कि बस एक ही पुत्र वो मर गए, बस सारा जीवन ही खत्म हो गया, मैं मर गया। ये एक तरह की मृत्यु, मगर इसमें यह पता नहीं लग रहा है कि मैं मर गया करके जीवित होकर ये कह रहे हैं कि मैं मर गया, मर के नहीं कह रहे हैं ना मैं मर गया, जिंदा है। मगर यह तरह की मृत्यु है जीवन में,
जो कठिन अनुभव, अत्यंत कठिन अनुभव होने से हमको लगता है कि हम मर गए। इतना क्यों, आप खड़े हैं, कोई अपना वो शू पहनकर बस वो पैर अपने आपके पैर दबा दिया, मैं मर गया, बोलते हैं कि नहीं? मैं तो करके दिखाऊं, जबरदस्त शू पहनकर पैर रखो इधर, मर गए, बस हो गए। ये ऐसा एक अनुभव है। अब आदमी सोचता है, दूसरा अनुभव क्या है, मृत्यु क्या है, प्राण हरहा। अब देखिए, धन हरण हुआ या तो और संपत्ति का हरण हुआ या कोई मर गए को नुकसान हुआ तो आदमी सोचता है मैं मर गया। उसमें सब कुछ नहीं मरा, सर्वहरण नहीं हुआ, धन हरण में सर्वहरण नहीं होता। किसी की प्राणी प्राण हानि हुई घर पे, कोई मर गए तो सर्वहरण नहीं होता, सर्वहानि नहीं हुई। देखिए, सब कुछ खोया मेरे जीवन में, सब कुछ खोया। भैया आप तो है ही ना, आप अपने आप को नहीं खोया, नहीं खोया तो सब कुछ आ सकते हैं। इसमें सर्वहरण नहीं हुआ, मगर प्राण हरण होने से सब कुछ हर लिया। वह दूसरी मृत्यु, देखो, द्विविधा धनादिहरहा प्राणहरश्च। प्राणहरहा प्राण खत्म हो गए, बस सब कुछ हर लिया। बस ये हमारा जो संबंध है कि जैसे कि आप केंद्रित करके है ना, एक केंद्र बिंदु में एक कुछ सुई रखा, सुई के ऊपर एक बड़ा प्लेट रख दिया आपने, रख सकते हैं सुई के ऊपर बड़ा प्लेट आपने खड़ा कर रख दिया, और केंद्र में एकदम केंद्र को पकड़ा तो वहां पे रखा तो प्लेट बैलेंस हो जाती है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है? बस एक नीडल पे एक सुई के ऊपर सब कुछ खड़ा है, बढ़िया है सर। आओ देखो ये संबंध कैसे, क्या कमजोर संबंध है। देखो इसका अधिष्ठान जो है, आप थोड़ा जलक मारा बस हवा फूंकी गया, जिसके ऊपर जैसे कितना आप माहौल, ये बिल्डिंग कुछ सृष्टि बना दी प्लेट के ऊपर, जो जो कुछ रखा सब कुछ गिर गया। तलाश के पत्ते से आप करते हैं ना कुछ बिल्डिंग बनाते हैं कि नहीं, ताश, ताश के पत्ते लगा के बड़ा ये बना दिया, इतना सारा हवा हो गया, खत कुछ खत्म हो गया। माने हम इतने सारे इन सारे वस्तुओं को के साथ हम संबंध, ऐसे इतना कमजोर संबंध है दुनिया के साथ हमारा, हम सोचते हैं ये मजबूत संबंध है। इतना कमजोर है हमारा संबंध वास्तव में, कोई बल नहीं है, बस प्राण ऐसा चला गया, सब कुछ गया। समझते नहीं हम सोचते हमारा जो पकड़ है दुनिया के ऊपर बड़ा मजबूत है। अरे बेवकूफ है, हमारा जो पकड़, दुनिया का जो पकड़ है वो मजबूत है। अब पिक्चर में देखा होगा कई बार, मैं तुमको, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तू मरेगा नहीं, वो बोलते हो तो मर ही जाएगा, वो कैसे पकड़ोगे उसको, कैसे पकड़ोगे? सती सावित्री लोग तो अलग अलग होते हैं, सती सावित्री तो योगिनी थी, वो अपने शरीर को छोड़कर यमराज के पीछे चले गए। आप शरीर क्या, हम कुछ नहीं छोड़ सकते, एक छींक को भी रोक नहीं सकते। तो इसीलिए भगवान शंकराचार्य ब्यूटीफुल अद्भुत भाष्य, द्विविधो धनादिहरः प्राणहरश्च, प्राणहरः सर्वहरः उच्यते। मर ये हमेशा रखना, इस दुनिया के साथ, स्थूल जगत के साथ मेरे जो संबंध मैं बना के रखा हूं, इस संबंध बड़ा कमजोर है। जैसे सुई के ऊपर सारा एक पर्वत को, पहाड़ को खड़ा कर दिया जाए, कब तक है, जब तक है तब तक है, बस
क्या जब तक है तब तक, तब तक है? बस यमराज आएगा, चल पड़ो भज गया प्राण हरहा। अब इतना तक कि आप, मैं और भी डरा सकता हूं, छोड़ दो अभी तो, बहुत हो। तो ये प्राण हरहा देखिए सब। मैंने एक जोक सुना है बहुत साल पहले, गुरुजी के द्वारा मैंने सुना बहुत साल पहले। एक गांव में ये है, एक बात फैल गई कि रात में 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक भूत घूमते हैं, प्रेत भूत पिशाच घूमते हैं गांव में। तो 12 बजे और 4 बजे तक कोई घर से बाहर निकलते नहीं, गांव पर एकदम सुना सुना। और इतना तक कि वहां पे रेलवे गाड़ियां भी जो भी है 11 बजे तक पहुंच जाती है, पर 11 के बाद 11.5 12 बजे के और 4 बजे के अंदर गाड़ी भी नहीं आती, क्योंकि 11 बजे छोड़ना है तो कब तक, 1 घंटे लेकर घर पहुंच जाएंगे चलते चलते गांव में। ये ऐसी स्थिति व्यवस्था की गई थी वहां पे गाड़ियों की भी, बस रवाना सब कुछ। बेचारे एक बार गाड़ी कुछ किसी कारण लेट हो गया तो लोग उतरते नहीं 12 बजे उस गांव में, बैठे रहते हैं गाड़ी में, फिर दूसरे गांव में चले जाते हैं 4 बजे के बाद उतरते, फिर अगला दिन वापस लौटते हैं क्योंकि 12 बजे उतरते नहीं। ठीक है, एक बंदा हम मेरे जैसे बंदा जो है जानता नहीं है सब कुछ नियम गियम कुछ, बस मैं इंतज़ार बैठा हूँ 12:30 बजे उतर गया, बस पूछने के लिए कुछ नहीं है, कोई नहीं है वहाँ पे, सड़क में सब कुछ खाली, घर पहुँचना है किसी का घर। तो एक बंदा मिला, बोले सर ये घर का एड्रेस बताएंगे? बोले मैं तो बताऊंगा, तुम कहाँ से हो? मैं वहाँ से आया हूँ। तो मैंने पूछा सर मैं ऐसा सुनाया जाता है कि इस गांव में मरे हुए जो लोग प्रेत लोग घूमते हैं रात को, ये सच है क्या? उसने कहा मुझे पता नहीं, मैं मर के 20 साल हो गया। बस दौड़ो। ये है बात। तो मरने के बाद भी ये देखिए आपके पास स्मृति भी नहीं रहेगी, यदि भगवान चाहे कुछ समय तक, बोलते प्रेत समय बोलते हैं, प्रेत काल, प्रेतत्व काल कुछ होता है ये शास्त्र में है। वो प्रेत का जो काल है, एक एक जीव का अपने अपने कर्म के अनुसार दुनिया के प्रति मोह ममता के ऊपर ये आधारित है। क्या है प्रेत समय का इसकी लंबाई समय, आप पापी हो तो ज्यादा समय तक प्रेत बनकर घूमते रहोगे। प्रेत माने क्या है, ये पूर्व स्मृति बनी रहती है, उस स्मृति के कारण ही नरक का भोग कर लेता है वो। नरक का कारण क्या है बता, स्मृति, क्योंकि अनेक प्रकार के कुकर्म किए थे, इन सारे कर्मों का जो हमने ये किया है वो किया है, और मुझसे ये हो गया, धगा हो गया, धोखा दिया, मुझे ठग गया, मतलब ये किया गया, मुझे ये किया गया, मुझसे वैसा हुआ, मुझसे सारे जो अनुभव स्मृति में बैठी है। और स्मृति और काम धंधा नहीं है, व्यापार करने का शरीर नहीं है, बस यही वृत्तियां चलती रहती है मन में, यही नरक है, यही यातना शरीर है। भगवान रावण महर्षि के पास जाकर ने किसके पूछा, भगवान शास्त्रों में कहते हैं कि मरने के बाद यातना शरीर मिलती है और इसमें बैठकर हम बहुत सारे प्रकार के दुख भोगते हैं। मन, भगवान ने कहा मन ही यातना शरीर है। इतना क्यों? अब उस जिस दिन अच्छे से आप सभी सबके साथ सही संबंध बनाए हैं, बना के रखा उस दिन, और अच्छे से व्यवहार किया, अच्छा खाना खाया, सब कुछ अच्छा काम किया, नींद जल्दी लग जाती है। किसी के साथ झगड़ा किया, किसी को आक्षेप किया, किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी को अपमान किया, गलत करे किसी से आप लात खाई, मार खाई, नींद नहीं लगती।
23 घंटे 30 मिनट जीवन का व्यवहार सही हो 24 घंटे में, तभी आधे घंटे का ध्यान लगने का संभावना है, भी याद रखना। नहीं तो ध्यान लगेगा नहीं। तो प्राण है प्राण हर सर्वहर, और ये हमेशा याद रखना, ये दुनिया के साथ हमारा संबंध बहुत नाजुक है, इतना नाजुक है कि पता नहीं कब टूटेगा धागा, लटके हैं। ऐसे मत कभी सोचना कि बस कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं हृष्ट पुष्ट हूं। ऐसे आदमी जल्दी मर जाएंगे। सोचा भी नहीं, फिर मरने के बाद कहानियां फैल जाती है, काफी मांगा, नाश्ता अच्छा किया, टहल के आया, नाश्ता किया, काफी भी पिया, कोई बीमारी नहीं थी, बीपी भी नहीं था और शुगर भी नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक था, बस बैठे बैठे ऐसे चले गए। ऐसे कैसे चले जाते हैं? फिर आपका क्या ऑब्जेक्शन क्या है आपका, या ऐतराज क्या है आपके? बस ऐसे कैसे चले जाते हैं? अभी चले जाओ। फिर इतना नाजुक है दुनिया के साथ संबंध, और कब खत्म होगा ईश्वर के अलावा और कोई नहीं जानता। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं सुबह उठकर पलंग पर अपने आप को स्पर्श करके देखो जीवित है, हाँ है तो भगवान को याद करना, थैंक यू बस भगवान आज हमको जीवित रखा है, पता नहीं शाम तक रखोगे कि नहीं। तो रात में सोते मिलना आज सारे सुबह सोरा पूरा दिन हमको जीवित रखा है, थैंक यू। और नींद में हमको लेके नहीं गया भगवान, थैंक यू, और एक मौका आपने दिया है जीवन में सुधरने के लिए। इसी मौका को सदुपयोग करने के लिए जितना भी सामर्थ्य चाहिए वो मुझे आप प्रदान कीजिए। अद्भुत भाष्य, द्विविधो ही द्विविधो धनादिहरः प्राणहरश्च सर्वहरुच्यते साहम इत्यर्थः, तो वो मैं हूं, मैं प्रकाश सर्वहर कहलाता, माने ये सर्वहर प्राण जो है मैं सर्वहर हूं, मृत्यु हूं। छोटे छोटे मृत्यु जो होते हैं ना उनके मैं पिता हूं, मृत्युओं की मृत्यु, मौत के मौत, ठीक है। और अथवा अथवा या नहीं तो पर ईश्वर प्रलये सर्वहरणात सर्वहर, मैं सर्वहर हूं, क्यों? क्योंकि प्रलय काल में सब कुछ हरण करने वाला हूं, इसलिए मैं सर्वहर हूं। प्राणहर है भी सर्वहर होता है, आदमी के लिए, जीव के लिए, सारी सृष्टि के लिए सर्वहर क्या है? सर्वहर माने प्रलय, प्रलय काल में मैं सर्वहर, सब कुछ मैं विलीन कर देता हूं, सब कुछ हर लेता हूं। इसलिए उसके कहते काशी में आप जाओ संकल्प महाश्मशाने, संकल्प महाश्मशाने, ये महाश्मशान माने सारे जो पृथ्वी सारे जो पदार्थ सृष्टि खत्म हो गए, कुछ नहीं रहा, उस श्मशान में ईश्वर घूमता है। ईश्वर घूमता माने ये श्मशान नहीं, ये श्मशान में घूमता है ईश्वर, काम धंधा नहीं श्मशान में घूमने के लिए उनको, महाश्मशाने, सब कुछ होने के बाद ईश्वर ही बचता है, कुछ नहीं रहा, वो अकेला घूमता है तब, भोलेनाथ। प्रलय अथवा पर ईश्वर, मैं परम ईश्वर हूं, प्रलय सर्वहरणात, क्यों भैया? प्रलय काल में मैं सब कुछ हरण कर लेता हूं, इसीलिए मुझे सर्वहर कहते हैं, ठीक है। अहम और उद्भव, उद्भव माने उत्कर्ष, उत्कर्ष का माने अभ्युदय, उत्कर्ष माने ऊपर अपने आप को उठाना, खींचना, अभ्युदय माने अभ्युदय में प्रगति, प्रगति अभ्युदय माने प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, सर्व अभ्युदय, तत् प्राप्ति हेतुश्च अहम, अभ्युदय की प्राप्ति के कारण मैं हूं,
भैया अभ्युदय कब, केशाम भविष्यताम, केशाम किन में, भविष्यताम भावी कल्याणानाम उत्कर्ष प्राप्ति योग्यानाम इत्यर्थः। उत्कर्ष प्राप्ति के योग्य पुरुषों में या जीवों में या योग्य पुरुषों में भावी काल में अभ्युदय होने वाले सभी जीवों में उनकी प्रगति या अभ्युदय का कारण मैं हूं भविष्य में, क्योंकि वास्तव में सृष्टि का अंत कभी नहीं होता, क्योंकि अंत हो गया फिर नया सृष्टि कल्पांते, कल्पांत के बाद फिर कल्प आरंभ होगा। ये चक्र है, काल चक्र है, घूमता रहता है। तो वास्तव में अंत अंत नहीं है और सृष्टि का शुरुआत शुरुआत भी नहीं है, वो अंत हो जाएगा। वो अंत वास्तविक अंत नहीं होता क्योंकि फिर अगले आएगा भविष्य में। तो भविष्य काल में सभी लोगों के प्राणियों के लिए भावी कल्याणानाम, भविष्य काल में जो जिसकी कल्याण उत्कर उन्नति होने वाली है, उत्कर्ष प्राप्त योग्यानाम, किसको होगी ये उन्नति, जिसमें योग्यता है उन सभी योग्यता में योग्यताओं के लोगों के बीच में भावी काल में तो उनकी उन्नति होने वाली है। उस उन्नति के कारण मैं हूं, तत् प्राप्ति हेतु हूं अहम। उत्कर्ष, हाँ, उद्भवश्च भविष्यताम, भविष्य में होने वाले सभी जीवों के मैं अभ्युदय की हेतु का कारण हूं मैं, ठीक है। इसलिए श्रद्धा रखना, विश्वास रखना कि अच्छा कर्म करो तो भविष्य में आपको आपकी उद्धार भगवान कर लेता है, सबके उद्धार, ठीक है, सभी का। कीर्ति ही श्री ही वाक च नारीणाम स्मृति ही मेधा द्रुति ही क्षमा इति येता उत्तमाः स्त्रीणाम अहम् अस्मि यासाम आभासमात्र संबंधेन अपि लोकः कृतार्थम् आत्मनम् मन्यते, ठीक है। अब देखिए ये सारे जो गुण हैं स्त्रियों में गुण है, माने देखिए स्त्रियों में ये सब गुण भगवान ने दे रखा है, मगर स्त्री जाति जो है ना उसको खराब करके बैठती है। भगवान ऐसे पुरुष में ऐसे है क्वालिटी सहज रूप में है ऐसा नहीं कहा, स्त्री को दे रखा है भगवान। अब नारी का अपमान कहां हो रहा है इधर, पहले से भगवान कहते हैं सृष्टि करते समय इन सारे अच्छे लक्षणों को मैंने अंदर डिब्बा में डालकर उसके अंदर बिठाकर भेजा, रखकर भेजा, डब्बा खोलते नहीं हम, ऐसे डब्बा पुरुषों को नहीं मिला, पुरुष को कुछ डब्बा नहीं मिला, ये डिब्बा संभालने के लिए भेजा है। ये डिब्बा वाली जो है ना उसको संभालने के लिए पुरुष को दे दिया, बोले डिब्बा वाले समा जाओ, मतलब डिब्बा अंदर बैठी है, अंदर डिब्बा के अंदर बहुत कुछ लक्षण है। वास्तव में सहज रूप में ये सारे लक्षण स्त्री में है, इसीलिए स्त्री ज्यादा भावुक होती है, पुरुष से भी ज्यादा भावुक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए मन उनके उनका मन जो है शीघ्र भगवान के ऊपर लगन हो सकता है, के प्रति भक्ति श्रद्धा हो सकते हैं, मगर इन्हीं लक्षणों को छिपाकर जो भगवान नेचुरली जो गिफ्ट दिए हैं उपहार पहले देकर भेजा है, तो इन्हीं लक्षणों को यदि हम फिर उसका थोड़ा पानी डालो, रोशनी आने दे, सही वातावरण दो, ये सारे लक्षण बड़े बड़े वृक्ष बन जाते हैं स्त्रीणाम। आप देखिए, हाँ क्या है, पहले एक एक हम करते हैं। कीर्ति ही श्री ही वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा द्रुति क्षमा, ठीक है। कीर्ति ही माने भगवान ने यहां पे भाष्य में नहीं दिया, एक एक विस्तार हम देखेंगे अभी। कीर्ति माने धार्मिकत्व निमित्ता ख्याति ही, धार्मिकत्व निमित्ता ख्याति ही कीर्ति,
माने पुण्य कर्म करने से जो ख्याति मिलती है उसको कहते हैं कीर्ति। ख्याति माने नाम कमाना, नाम हो गया मैं हर जगह सब आपका नाम हुआ। कैसे हुआ? धार्मिक जीवन जीने से, उसको कीर्ति कहते हैं। और गलत काम करने के बाद फिर कीर्ति जो मिलती है वो कीर्ति नहीं, अपकीर्ति। नाम जो पहला जाता है अपना नाम, वो अपकीर्ति है। स्त्री की कीर्ति माने वो है ये बात। श्री ही लक्ष्मी ही माने कांति शोभा, लक्ष्मी कांति शोभा ये सब स्त्री में है। इसलिए जो घर में एक लड़की का जन्म हुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लक्ष्मी हुई, शोभा लाई, शोभा लाई। ठीक है, हाँ हमारे घर में लक्ष्मी आई, कांति से फैल गई, बद शोभा लाई, बोलते हैं कि नहीं? सब सारे पद कुछ भी आप समझो, मानो या ना मानो, इसमें कोई स्पर्धा नहीं है। बात सीधी सीधी बात है, क्या है? यदि घर की जो लक्ष्मी है माने स्त्री है, ये वो स्त्री यदि चाहे तो घर के जो सारा परिवार को स्वर्ग बना लेती है, स्वर्ग से भी ऊपर वो बना सकती है। और स्त्री में ये सारे डिब्बा खोले बिना व्यवहार करने लगी, डिब्बा माने डिब्बा के अंदर क्या क्या पड़ी है पता दिया ना मैंने आपको, खोले बिना व्यवहार करने लगी, वही घर खानदान को नरक बना लेती है। मैंने क्या कहा? घर ही नहीं, खानदान। कोई भी स्त्री कहीं भी हो, कहीं भी नौकरी करने दो, ऐसे जो ऐसे सद्गुण हो तो व्यवस्था हो, जो जो कंपनी में जो काम करे वहीं जहां वो रहती है वहां पूरा स्वर्ग बन जाती है। ईर्ष्या द्वेष सब कुछ लाया मन में तो गया स्त्री, गई स्त्री गई। बहुत साल पहले एक बात में एक बार बताया कि नहीं पता नहीं आपको, एक डॉक्टर थी, अभी भी डॉक्टर रिटायर हो गई पता नहीं अभी, पहले बहुत साल पहले 15-20 साल पहले। तो फिर वहां पे एक दिन हमके यहां से पूछी कि स्वामी जी मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ। बोलो अम्मा। अब देखिए मैं इतना इतने साल से मैं डॉक्टर हूं, मैं अभी MBBS बहुत साल पहले किया था, तब ये स्पेशलिस्ट की कुछ ज्यादा कोर्सेस नहीं थी तब, तो मैंने अभी बन गए डॉक्टर बन गए, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, अच्छा वो ना बहुत सारे पेशेंट्स को देखता हूँ, इतना अनुभव मैंने प्राप्त किया जीवन में। और नए नए जो डॉक्टर्स निकलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट करके, कहने के लिए कुछ विद्या में उनका सर्टिफिकेट जो है मुझसे ज़्यादा है, तो उनको वो मेरे बॉस बनकर आते हैं, कुछ अनुभव नहीं है उनको, वो हमको दिक्कत देते हैं और हमसे हमको आज्ञा देते हैं। हम बोलते हम आज्ञाकारी बनना चाहिए, छोटे छोटे उनके पास ज्ञान होगा मगर थोड़ा होगा तो नए नए ज्ञान वो सीख लिए होंगे, मगर मेरे को ये सहन कर नहीं पा रही हूँ कि मेरे से छोटा जो है वो मेरे सिर पर बैठकर वो सवारी कर रहा है अस्पताल में। मैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर ही हूं, वो और कुछ बॉस बनकर आ गया, तो कैसे संभव? मैंने बोला अम्मा क्या करोगे? रिजाइन कर दो, नौकरी को छोड़ दो। फिर नहीं नहीं छोड़ नहीं सकती हूं। फिर क्या करोगे? बदली कर लो। नहीं नहीं वो भी नहीं हो रही है, मेरी बेटी यहीं पढ़ रही है, पति यहीं पे काम कर रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे फिर बताओ? हाँ बताइए, इसलिए आप स्वामी जी क्यों बने? ये क्या जबरदस्ती है अम्मा, बताओ जवाब बताओ। तो बोला, मैंने बोला यदि आप ही के पुत्र आपसे भी ज्यादा पढ़कर विधिवशात आपके ही अस्पताल में आपके ही बॉस के रूप में बैठ गया हो, आप कैसे सोचते हैं?
उनका ज्ञान, नए नए जो विज्ञान प्राप्त करके आया है जो आपको नहीं मिली, तब साइंस ही नहीं थी तब उस समय, आज कुछ बदल गया, कुछ जानकारी और ज्यादा मिल रही है, आपको कैसे लगेगी? वो सोचने लग गए, बोले इस तरह हमें सोचना क्यों, नहीं हम स्वामी जी इतना मैं क्या कहूं, अभी ऐसा अनुभव यदि हो जाए तो इतने से अच्छा ज्यादा कुछ खुशी क्या हो सकती है, मिले ज्यादा बहुत खुशी होती है मुझे, मेरे से मेरे पुत्र इसने मेरे आगे बढ़ गया बहुत अच्छा है करके। बस उस डॉक्टर को आप अपने पुत्र के रूप में क्यों स्वीकार नहीं कर सकते? मातृत्व कहां गई आप में? चुप हो गए। ये जलन के कारण पुरुष के अंदर यदि जलन हुआ जितना वो नुकसान कर सकता है, इससे भी ज्यादा स्त्री कर सकती है जलने, जलन के कारण। ईर्ष्या द्वेष के कारण स्त्री जितना नुकसान पहुंचा सकती है शायद उतना पुरुष पहुंचा नहीं सकता, मगर सारे डिवाइन क्वालिटी स्त्री में बैठी है। भगवान मैं देके भेजी हूं, भेजा हूं मैं उनको। तो देखिए इतने अच्छे अच्छे सदगुण भगवान कहते स्त्री नाम, ये सारे सदगुण मैं ही हूं, मेरा ही रूप है। देखिए तो स्त्री ही लक्ष्मी, वाक माने वाणी, माने देखिए वाणी को क्या कहते हैं, सभी अर्थों के प्रकाशक वो वाणी है, अर्थ प्रकाशक वाणी। माने क्या है, देखिए कोई वस्तु है उस वस्तु वाणी के द्वारा ही प्रकाशित किया जा सकता है ना, अर्थ प्रकाशक। ये क्या है वाणी, यदि वाणी ही नहीं है तो व्यवहार ही खत्म हो गया। अब ये वस्तु क्या है, वस्तु का वर्णन तो वाणी क्या करता है, करेगी वाणी अर्थ प्रकाशक। वस्तु के ऊपर वाणी क्या करे, अपना वाणी के द्वारा ही उसका ज्ञान और प्रकाश डालता है वाणी के द्वारा, तो उस वाणी को वाक कहते हैं, वाक। तो वाक माने वाणी, ठीक है। तो कीर्ति ही, श्री ही, वाक्च, फिर स्मृति ही। स्मृति ही मीने माने अनुभूत स्मरण शक्ति ही, स्मृति माने अनुभूत स्मरण शक्ति ही, माने अनुभूत जो हुआ तो अनुभूत वस्तु की स्मरण शक्ति, बहुत कुछ अनुभव हो गया है उस अनुभव को स्मरण करना, तो स्मरण शक्ति याद रखना, याद दिलाना अपने आप को, जब चाहे याद आ जाना, ठीक है। और तो किसी का हम शक्ल देखते हैं नाम भूल जाते हैं, किस में याद नहीं आ रही, याद नहीं आ रही, याद नहीं, मैं आपको कहीं देखा है, कहीं देखा है, वो बैठे रहेगा आपके सामने, अब बताइए अब बताइए, फिर आकर आप मुझे कहीं नहीं देखा 15 मिनट के बाद, तो पहले बोलना था मैं 108 बार सिर फोड़ लिया नहीं नहीं चेहरे मिल जाता है, मुझ जैसे व्यक्ति को कहीं देखा होगा आप, इसीलिए ऐसा लगता है आपको, ठीक है, पर पहले बोलना था ना, तो मैं तमाशा मजा ले रहा था आपका, सोचते थे कब तक आप ये पकड़, वो हंसते रहे। तो स्मृति माने अनुभूत वस्तु की स्मरण शक्ति को उसको कहते हैं स्मृति। दूसरा क्या है, मेधा। मेधा माने ग्रंथ धारण शक्ति ही, ग्रंथ धारण शक्ति। देख कुछ पढ़ लिया, ए अक्षर समूह पद, ए पदों का समूह वाक्य, कुछ वाक्यों का समूह कुछ पढ़ने के बाद, तो जिसके बारे में आप पढ़ रहे थे आपके जो ये मेधा शक्ति के कारण अत्यंत शीघ्र इसका अर्थ आपको पता लग जाता है, त्रुटि काल में तुरंत पता लग जाता है, यह उसको कहते हैं मेधा शक्ति, ग्रंथ धारण शक्ति ही। समझना और मन में बिठाना समझने के बाद, फिर कभी नहीं भूलना, जब चाहे उसकी स्मृति हो जाना, ये सब विशिष्ट लक्षण है, ऐसे लक्षण जो तपस्या के बिना नहीं मिलती। इस तरह के लक्षण जो तपस्या के तप करोगे तभी ये सब हो सकता है।
ठीक है, मेधा। और द्रुति को क्या कहते हैं? धैर्य। धैर्य को द्रुति कहते हैं। मेधा द्रुति ही, द्रुति माने धैर्य। धैर्य का मतलब दो है, पता है आपको? एक होता है करेज, दूसरा पेशेंस। दो अर्थ है और दोनों चाहिए। पेशेंस विदाउट करेज एंड करेज विदाउट पेशेंस दोनों गलत बात है। दोनों चाहिए तो धैर्य। और क्षमा, क्षमा क्या है? मान अपमान में चित्त का विकृत न होना, माने मान अपमान यो हो अविकृत चित्तता। हम देखिए, मान अपमान में चित्त को विकृत न होने देना, न होना, चित्त का विकृत नहीं होता। मान में अपमान में भी चित्त में कोई विकृति नहीं है। चित्त में विकृति नहीं होना, इसको कहते हैं क्षमा। चित्त में विकृति होकर हम क्षमा करते हैं, वो क्षमा नहीं है वास्तव में। क्षमा नहीं है, कोई विकृत नहीं है चित्त में, क्षमा कर दिया। क्यों क्षमा कर दिया? माने कोई विकृति नहीं है तो ये दूसरों को लगता है कि आपने क्षमा कर दी है। वास्तव में वो क्षमा करके ऐसे एक मेहरबानी भी नहीं है उसमें, कोई योगदान कोई लग नहीं। बस जैसे कि छोटा बच्चा अपने माता को ही अपने पैर से लात मारता है तो मां क्षमा कर देती नहीं। क्षमा कर दिया माने तुम लात मारी तो भी मैं तुमको क्षमा कर दिया, वो भी नहीं, ऐसे विचार भी नहीं। चित्त में कोई विकृत नहीं है। विकृत कहां है चित्त में? कोई विकृत नहीं है। आप चलते चलते कोई बच्चा घूमता घूमता फिर आपके पैर में बीच में अटक गया तो आपको रोकना पड़ा, तो रुक गए आप। बच्चा फिर नहीं गिर गया तो मां आई तो उसको उठाई फिर चले गई। तब तक आप क्या चित्त शांत है कि नहीं? बहुत लगता कि छोड़ दिया आपने, मैंने आप क्षमा कर दिया मैंने। एक क्षमा का जो है कि गर्व, उसका एक अहंकार कुछ है ही नहीं, विकृत हुआ नहीं पहले मन में। इस पर ये ध्यान देना जरूरी है। देखिए, मान अपमान यो हो अविकृत चित्तता। अपमान में भी मान में भी चित्त का विकृत नहीं होना, इसको कहते हैं क्षमा। हमारे जो शास्त्र के जो विचार है, पद्धति जो है ना, शास्त्र का विचार बहुत गहरे हैं। क्षमा माने छोड़ दिया मैंने, ये छोड़ रोते रोते छोड़ दिया, मन में विकृत हुआ नहीं, मैंने छोड़ दिया ऐसे स्मृति बना के रखी कि नहीं? हाँ रखा। फिर क्षमा कहाँ हुआ? इसीलिए और भगवान कहते हैं आखिर में, ये सभी स्त्री में मैं हूं, स्त्री स्त्रियों में ये सारे लक्षण मैं ही हूं। यासा आभास मात्र संबंधे न भी लोक कृतार्थम आत्मान, सभी लोग अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, धन्य मानते हैं अपने आप को, क्योंकि इन सारे गुणों का आभास रहने से ही। आभास मात्र माने बस कोई कुछ अंश रहने मात्र से आदमी अपने आप को कृतार्थ मानता है। चलो ठीक है, भगवान की कृपा से ये सारे जो लक्षण जो है, कीर्ति ही, श्री ही, वाक, स्मृति ही, मेधा, द्रुति, क्षमा, ये सात अच्छे अद्भुत लक्षण जो है बताए गए यहाँ पे, मुझ में कम से कम इतने प्रमाण में, बहुत कम प्रमाण में है, कम से कम है, इसका निशान तो बन गया पहला। ऐसा कुछ कुछ खुशबू आने लग गया है, कुछ वास है, आभास है, तो भी आप आदमी अपने आप को कृतार्थ मानता है। फिर ऐसे लक्षण पूर्ण रूप से होने से भगवान बोलते हैं मैं ही हूं उधर। इसलिए ऐसे जो अद्भुत लक्षण जिसमें हमको दिखाई देता है, उनको पैर छूने से भी कोई नष्ट नहीं है। ठीक है, बृहत् साम तथा साम्नाम् गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम्
ऋतूनां कुसुमाकरः बृहत् साम बृहत् साम तथा सामनाम प्रधानम अस्मि। देखिए वेदानाम सामवेदोस्मि पहले भगवान कह चुके हैं। अभी अब सामवेद में भी एक प्रकरण है बृहत् साम गानम, वो बृहत् साम मैं हूं। माने सामवेद ही अद्भुत है, गाना गाया जाता है, अद्भुत है सुनने के लिए। उसमें भी बृहत् साम अत्यंत अद्भुत रोमांचक वो मैं हूं। बृहत् साम गान में बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बृहत् साम गान। तो साम में बृहत् साम तत्प्रधानम ओ मैं हूं, प्रधानम जो है। और गायत्री चंदसाम हम, गायत्री गायत्री आदि छंदो विशिष्टानाम रुचाम गायत्री रुक अहम इत्यर्थ। अनेक प्रकार के छंद है, रुचा मंत्र, रुक मने रुचा मने मंत्र। तो इन रुचाओं में गायत्री छंद जो है वो गायत्री छंद मैं हूं। इसे गायत्री मंत्र का भी एक अच्छा है, राम गायत्री है, कृष्ण गायत्री है, सबका अनेक प्रकार के गायत्री मंत्र है। वो छंद जो है वेदों में अनेक प्रकार के छंद वो मंत्रों का, और उस छंद गायत्री छंद मैं हूं। देखिए मासानाम मार्गशीर्ष अहम। अब महाभारत काल में काल ये मासों के जो गणना मार्गशीर मास से ही शुरू होते थे, चैत्र मास नहीं मार्गशीर से शुरू करते थे। तो पहला मास मार्गशीर, और मार्गशीर मास ऐसा अद्भुत है, इसी मास में भगवान गीता भी देखिए गीता का बोध भी हुआ। और मार्गशीर मास ऐसा मास है न गर्मी ज्यादा है न ठंड ज्यादा है, इसलिए कहते हैं ध्यान के अनुकूल मास है वो। इसलिए मार्गशीर मास में ही सारे प्रभात फेरी चलती है जो मंदिरों में, धनुर्मास मार्गशीर में वो सूरज चलते हैं चलाते हैं, और सारे अच्छे अच्छे कर्म कर सकते हैं। बस वातावरण बड़ा अनुकूल वातावरण बन गया, बन जाता है। मैं आपको कहता हूं ठंड के मौसम में ही ध्यान ज्यादा लग सकता है, मत ठंड के मौसम में कोई उठते नहीं। सब शांत है, मानसिक वातावरण भी शांत हो जाता है, क्योंकि चित्त विक्षेप बहुत कम है लोगों में। सो चित्त विक्षेप के कारण वातावरण में भी एक अलग प्रकार का एक वातावरण छा जाता है, स्थूल नहीं सूक्ष्म वातावरण, मानसिक वातावरण जो है उसमें भी लहरे हैं, तरंगे उठते हैं, मानसिक तरंगे हमको भी लगते हैं, लगता है कभी कभी जोर भले तो बड़ा तरंग आ गया, सुनामी, मानसिक सुनामी। इसलिए आप यदि 10 15 20 30 लोग शोक समुद्र में निमग्न हो गए और उनके बीच में आप भी चले गए, आपका भी चित्त विकृत हो जाएगा। विकृत माने बस आपको भी शोक लग जाता है, शोकपूर्ण वातावरण में आप जाओगे फिर आपको लगता है कि पूरा ये भयंकर वातावरण है, ठीक नहीं लग रहा है, कुछ कुछ ऐसा महसूस कर रहा हूं, जल्दी से जाना है इधर से, हाय राम मैं रहने सका, वापस दौड़ के आ गया हूं, देख नहीं सका। क्योंकि वहां पर जो वातावरण मानसिक वातावरण मानसिक मन, क्योंकि मन भी एक सारा सबका मन संबंध है, कोई अलग अलग नहीं है सृष्टि में। कैसे समझाए, कोई अलग नहीं है, केवल शरीर ही अलग अलग है, मन एक है, प्राण एक है, सबके सभी प्राण, क्योंकि दो व्यक्तियों के भीतर भी प्राण है और इनके बीच दो अंतर जो खाली उसमें भी प्राण पड़ी है, प्राण से पूरा भरा है। इसलिए वेरी ब्यूटीफुल पोएट, एक पोएट ने कहा कि यू कैनॉट प्लक ए फ्लावर विदाउट डिस्टर्बिंग ए स्टार। देखिए यू कैनॉट प्लक ए फ्लावर विदाउट डिस्टर्बिंग ए स्टार,
वाह देखिए, तो ये सब एक है। इसीलिए कहते हैं कि तो आप मार्गशीर मास ले लो, वो सात अच्छा मास है। भगवान कहते वो मास मार्गशीर मास मैं हूं, और ऋतुओं में कुसुमा करहा वसंत ऋतु, वसंत ऋतु आप सब जानते हैं बड़े अच्छे, नए नए पत्ते, नए नए फूल, नए नए फल, छाया ही छाया अलग है, तो बड़ा सारा वातावरण का जो रोशनी जो बदल जाती है फर्स्ट क्लास है। वसंत में आह्लादकरम, अत्यंत आह्लादकर है, आनंद प्रदान करता है वह मास पूरा वसंत ऋतु कुसुमाकर। ठीक है, ज्योतम चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम् ज्योतम्। आप भगवान बोलते हैं जूत, जूतम माने जुआ खेलना, स्टेक, अनेक प्रकार है जुआ, तो कैसीनो भी है जुआ ही है, ताश भी जुआ ही है, ताश खेलो पत्ते, जो भी है गैम्बलिंग डाइस, ठीक है, पासों से जो खेला जाता है उसको बोलते जुआ छू। अब देखिए भगवान कहते हैं ज्यूतम अक्षदेवनादि लक्षणम, अक्षदेवन लक्षण है पासों से खेलना इत्यादि, लक्षणम चलयताम चलस्य कर्तॄणाम अस्मि, छल करने वालों में ज्योत मैं हूं। देखिए छल माने क्या है, दूसरों के पराभव होना है और अपनी भलाई विजयी, तो अपनी विजयी के लिए मैंने दूसरों के पराभव और अपनी विजय दोनों के लिए छल किया जाता है। मैं विजय प्राप्त करना चाहता हूं, दूसरों का पराभव देखना चाहता हूं, इसके लिए छल उपयोग करते हैं। छल माने डिसीट, ठीक है, धोखा देना, छल करना, तो ये इसके लिए लोग जो छल करते हैं। और छल में क्या है, सर्वस्व अपहरण हो जाता है, किसी भी आप छल के जो जाल में फंस गए हैं तो आपका सब कुछ सर्वहरण हो गया। भगवान कहते हैं हाँ, जो छल करते हैं जिसमें सर्व का सर्वस्व का अपहरण हो जाता है, इनमें चल चल विद्यायों में चलों में जुआ सर्वश्रेष्ठ है। क्यों जुआ सर्वश्रेष्ठ है, जुआ में देखिए सबसे पहली बात है, सृष्टि में अच्छाई बुराई सब कुछ भगवान से ही निकला है, ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात है, अच्छाई और बुराई दो अनुभव है, ये दो अनुभव, और भगवान ईश्वर सभी जीवों को लगातार क्या दे रहे हैं, अनुभवों की परंपरा। ये अनुभवों की परंपरा कभी रुकती नहीं है, शरीर हो या ना हो कुछ ना कुछ अनुभव आपको होता ही रहेगा। अनुभव जब शरीर नहीं है तो भी, हाँ जी मन है ना, मन में आप भोग लेते हैं, मन में सोचते हैं, मन में विश्लेषण करते हैं, मन का शोक अनुभव करते हैं,
सुख भी अनुभव करते हैं, क्योंकि स्वर्ग में आप चला गया, भोग शरीर क्या किसके किस माध्यम से, मन से ही मिला। यातना शरीर किस माध्यम से मिला, मन से ही मिला। तो जो अनुभव कभी रुकते नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं पहले सबसे पहले पॉइंट मैंने क्या कहा, सृष्टि में जो अच्छा ही है, जो बुरा है, जो कुछ भी अच्छा बुरा इन्हीं की सृष्टि है, नंबर वन। दूसरा मैंने क्या कहा, जीव के जीवन में हम सबको लगातार भगवान क्या दे रहे हैं, सभी जीवों को अनुभव प्रदान कर रहे हैं। तीसरा मैंने क्या, अनुभवों की जो परंपरा ही चल रही है, चलते आ रही, चलाते हैं हम, भगवान चला रहे हैं, चलते आ रही है, आगे भी चलेगी, अनुभवों की जो परंपरा जारी रहेगी, ठीक है। अब देखिए, हर अनुभव के द्वारा ईश्वर का, यदि आप ईश्वर का निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूं, ईश्वर ये सभी जीवों को अलग अलग अनुभव इसीलिए दे रहे हैं कुछ सिखाने के लिए। अच्छा अनुभव देकर कुछ सिखा रहे हैं, बुरा अनुभव भी देकर कुछ सिखा रहे हैं, मगर अंतिम लक्ष्य ईश्वर की यदि लक्ष्य होता जीव के निमित्त से संबंध में, तो क्या लक्ष्य हो सकता है जीव के लिए, जीव के लिए ईश्वर का लक्ष्य। जैसे माँ बाप का लक्ष्य पुत्रों के लिए माँ बाप का लक्ष्य होता है, मेरे पुत्र को इंजीनियर बनाना है, मेरा लक्ष्य है, बेटे की शादी इनसे कराना है, ये मेरे लक्ष्य है। जो माँ बाप का जो लक्ष्य होता है बच्चों के लिए, ऐसे ईश्वर का भी एक ही लक्ष्य है, प्रेम के कारण क्या है, इन सभी अनुभवों के द्वारा सभी जीव अपना स्वरूप का ज्ञान सबको होवे, ठीक है। और इसमें सब सिखाने के लिए, और अद्भुत बात है, जो कुछ भी बड़े तौर पे विशिष्ट तौर पे जोर से और जिसमें ज्यादा बल है, बड़ा गंभीर है, जो भी गुण, अच्छा गुण या सद्गुण दुर्गुण, वो भगवान की विभूति है। देखिए अब ज्यूतम, भगवान अभी ज्यूत के लिए, देखिए ये छल के कारण महाभारत युद्ध हुआ, ज्यूत के कारण। अब ज्यूत में ये एक ऐसा लक्षण है, ज्यूत माने चल, चल की शक्ति कहां, प्रकृति से निकली है, माया स्वरूप मोह ममता, वो उन्हीं की विभूति है। अब देखिए चल में ऐसा एक विशिष्ट लक्षण दिखाई देता है, उसमें आदमी हारते हुए भी अपने हार को नहीं मानते हुए, भवि आप भी नहीं तो आगे की जो खेल में मुझे सब कुछ मिल जाती है, ऐसा यह मोह जो पकड़ के रखा है ना, वो भगवान की विभूति है। अब हार गया ना, उठो, नहीं आगे की हमें, आगे मेरी जीत होगी। हाँ, और जो कुछ भी मेरा नष्ट हुआ सब कुछ मैं वापस प्राप्त कर लेता हूं, ऐसा करके ऐसा मोह में पड़ गया, सारा सब कुछ सर्वनाश होने के बाद भी वो फिर बाद में भी छोड़ेगा, छोड़ना पड़ता है, इसे छोड़ देता है। नल उपाख्यान आपने देखा है, नल चक्रवर्ती, इसी जुआ के कारण है वो सब कुछ खोया कि नहीं, दमयंती नल दमयंती, वो मन छोड़ता नहीं, मन पकड़ के रखता है, इसलिए घंटे घंटे खेलते हैं, 24 घंटे बैठ जाते, 36 घंटे बैठ जाते, नींद भी नहीं। घरों में आपने देखा कि कुछ कभी कुछ ऐसा समय माहौल बन जाता है तो परिवार में ही जब ये ताश खेलते हैं उठते नहीं, दिवाली पे और दक्षिण में संक्रांति के दिन या चैत ऐसे माहौल में, ठीक है तो खेलने दो, सारे परिवार बैठ जाते हैं, ठीक है, मगर कोई उठता नहीं, बैठे रहते हैं, रात भर बैठे रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं। अब बार बार सप्लाई करना पड़ता है इनको, चाय वाय पकौड़ा ये मिक्सचर ये सब नमकीन, आप नारी लोगों का काम है ये, वह खाना बन गया, खाना खिलाओगे प्लेट में इधर खिला दो, बस ताश खेला, ऐसा ही खेलेगा, उठेगा नहीं उधर से, देखा कि नहीं।
यहाँ पे दोनों अनुभव करने वाले हैं। इधर खेलकर ऐसा अनुभव किया है कुछ लोग, और खिलाने में ऐसा अनुभव कुछ लोग किए होंगे। दोनों तरह से है अनुभवी लोग। ठीक है, तो यह है, तो मैंने खोया तो छोड़ता नहीं। यह है मोह। इस मोह में डालकर कुछ लोगों को भगवान कुछ यदि सिखाना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह का जो मोह छल जो है ज्योत में, जो जैसी इस तरह की जो विशेष एक गुण है, वो गुण माने दुर्गुण बोलो समझो या जो भी है, दुर्गुण सगुण को छोड़ दो, एक क्वालिटी है जो है, वृत्ति प्रवृत्ति जो भी समझो, प्रवृत्ति संस्कृत में गुण माने क्वालिटी है, हिंदी में गुण माने अच्छा सदगुण ही गुण कहते हैं। ये प्रॉब्लम है हिंदी के साथ, सदगुण बोलना पड़ता है, सबे सारे गुण है गुणवती बोलते हैं, गुणवती दुर्गुणवती, ये सदगुणवती होती है, दुर्गुणवती थोड़ी है, गुणवती नाम लगा दिया, हाँ गुणवती, गुणवती अच्छे गुण, अच्छे गुणवती अच्छे गुणवती, बुरा गुणवती को साथ दुर्गुणवती को थोड़ी कहते हैं। तो भगवान बोला जो भी है वो हो, ये मैं अनुभव को दिला रहा हूं, वो इस तरह मेरी विभूति है, इसके द्वारा दोनों को सिखाया जा रहा है। पांडवों को भी कुछ सिखाया, धर्मराज को भी सिखाया, कौरवों को भी सिखाया, इसलिए युधिष्ठिर डर गया। जंगल में जब बैठे हैं, एक दिन विदुर जी आ रहे थे, क्योंकि विदुर जी को भगा दिया धृतराष्ट्र ने, बोले यहां पर मेरे साथ मत रहो, जाओ जंगल में, मैं तुमको त्याग देता हूं, करके त्याग दिया उनको। क्योंकि विदुर जी से पूछा कि अब हमारा कर्तव्य क्या है, क्योंकि पांडव चले गए जंगल में, अब हमको क्या करना चाहिए। विदुर जी ने कहा वापस बुला लो उनको, गुस्सा आया उनको, मैं एक सलाह पूछा मंत्री के होते हुए तुमको, और ऐसा सलाह देते हो कि वापस बुलाने के लिए, हाँ बोलते यही शांति स्थापना का जो मार्ग यही है, शांति स्थापना का मार्ग, बोलते क्यों मार्ग नहीं चाहिए हमको, तू मेरा दुश्मन है, तुम्हारे पांडव पक्षपाती, पांडव पक्ष के तुम झुक गए हैं, तो चले जाओ यहां से। जब इतना विदुर जी रथ लेकर चले गए, कहाँ जाना है, जहां पांडव वहीं जाएगा। एक 10-15 दिन के बाद हुआ समझो, 20 दिन के बाद कुछ हुआ, एक महीने के बाद हुआ, तो फिर जंगल में पेड़ के नीचे बैठे काम जगवानम में धृतराष्ट्र सब लोग, धर्मराज युधिष्ठिर जी पांडव ऋषि मुनि लोग सब लोग बैठे थे, और दूर से उन्होंने देखा कि ये विदुर जी आ रहे। शॉर्ट साइड लॉन्ग साइड बहुत अच्छी थी तब उनको, तो चश्मा का प्रॉब्लम ही नहीं है, दूर दूर चीज दिखाई देता है। बोले कि विदुर जी आ रहे हैं रथ में बैठकर, तो एकदम डर गया। फिर युधिष्ठिर ने कहने लगा कि ये अर्जुन और भीम मुझे डर लग रहा है, इस वक्त अभी जंगल में हम बैठे हैं, सब कुछ छोड़ दिया, अब क्या लूटने के लिए आ रहे हैं विदुर जी। विदुर जी को क्यों भेजा धृतराष्ट्र राजा ने, क्या फिर जुआ खेलने के लिए, हमारा जो अस्त्र शस्त्र छीनने के लिए फिर बुलाया जा रहा है क्या हमको, करके डर गए। देखिए एक बार प्रवेश हुआ, बाहर आना मुश्किल है। तो भगवान ज्योतम चलयताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम, तेज तेजस्वी नाम हम सभी, ठीक है, तेजस्वियों का तेज हूं मैं, और जय अस्मि जेतृणाम, देखिए जीतने वालों में जय मई हूं, विक्टरी, ठीक है। व्यवसाय अस्मि व्यवसायिनाम, व्यवसाय कर मेहनत करने वालों, उद्यम करने वालों में, मेहनत करने वालों में, उत्कर्ष के लिए प्रयत्न करने वालों में, जो प्रयत्न पूर्वक जो प्रयत्न है, जो मेहनत है, वो मैं हूं। फिर इसीलिए ना जीव का अहंकार नहीं होना की संभावना है बिल्कुल नहीं है। अभी मैंने मेहनत करके प्राप्त कर लिया, मेहनत किसकी है, मेहनत परमात्मा है। तो मेहनत रूप में परमात्मा ही विराजमान थे आपके अंदर, इसलिए मेहनत के रूप प्रकट हुआ। सत्वम सत्वताम सत्ववताम सात्विकानाम हम, सत्वगुणों में सत्वयुक्त पुरुषों में या सत्वगुणों वालों में मैं सत्वगुण हूं, ठीक है। माने सबका जो जिसके बिना वो कुछ नहीं रह जाता, वही परमात्मा है, ठीक है। वृष्णी नाम वासुदेवोस्मि,
पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः वृष्णीनां वासुदेवः अस्मि वृष्णिकुलो मे वासुदेव मने मई वसुदेव पुत्र वासुदेव मई हूं। देखिए अयमेव अहम् तत्सका मई हूं, इधर खड़ा हूं तेरे सामने, तेरा फ्रेंड है। देखो अयमेव अहम् मई हूं, वासुदेव हूं मई, और कोई वासुदेव को ढूंढो मत। मैं बैठा हूं, खड़ा हूं, तत्सका तुम्हारा दोस्त जो सामने खड़ा है, मई ही हूं वह वृष्णि कुलों के, मैं विभूति मई हूं, विभूति। पांडवानाम धनंजय, अर्जुन सोचा अगर मेरे बारे में तो बताओ, तो पांडवों में तू मेरी विभूति है। धनंजय त्वमेव, तू ही है, संशय मत करो, तू मेरी विभूति है। अद्भुत बात है ना। मुनि नाम मननशीला नाम सर्व पदार्थ ज्ञानी नाम, देखिए मुनि कौन होते हैं, मननशीली, तो मनन करने वाले, चिंतन करने वाले, जप ध्यान करने वाले, चिंतन करने वाले। ऐसे मुनियों में क्या है, सर्व पदार्थ ज्ञानी नाम, ऐसे सर्व पदार्थ ज्ञान योग ज्ञानी लोग हैं। ऐसे सर्व पदार्थ ज्ञान, सभी पदार्थों का ज्ञान जिसके अंदर है, उन सभी मुनियों के बीच में जो व्यास जी है वो मेरे विभूति है, क्योंकि व्यास जी का जो ज्ञान है, तो व्यास विशाल बुद्धे है, उनका जो ज्ञान है अद्भुत ज्ञान, वेद का विभाग किया, सब कुछ किया, 18 पुराण लिखे और महाभारत, अनेक कार्य व्यास भगवान ने किया है। उनकी जो बुद्धि की जो सीमा ही नहीं रही समझो, इसलिए कहते हैं व्यास साक्षात विष्णु ही है, व्यासाय विष्णु रूपाय। देखिए ऐसे विष्णु मैं हूं, कवि नाम क्रांत दर्शी नाम उषणा कवि ही अस्मि, मैं शुक्राचार्य हूं। उनके भी बड़े क्रांत दर्शी, भाविक भविष्यकाल के ज्ञान बहुत है उनके पास, नीति ज्ञान नहीं, बहुत सा अच्छा ज्ञान है, तो इसलिए शुक्राचार्य मैं हूं, मेरा ही मेरी ही विभूति है। ठीक है, यह हम समाप्त करते हैं, कल इस अध्याय का हम समापन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।